सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ की हड्डी होती हैं। कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में सड़कें नहीं होती वहां विकास का पहिया नहीं घूम पाता। ज्वालामुखी उपमंडल के चंगर क्षेत्र की तहसील मजीण से सुजानपुर को जाने वाली सड़क पर गांव रीढ़ी में पिछले एक वर्ष से सड़क की पुलिया टूटी हुई है, लेकिन एक वर्ष बीत जाने पर भी संबंधित लोक निर्माण विभाग द्वारा उसे ठीक नहीं करवाया गया। जब ये पुलिया टूटी थी तो सड़क के पास से संपर्क मार्ग बना दिया गया, लेकिन बरसात में इस सड़क से वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है और अक्सर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में सड़क कीचड़ में बदल जाती है और यहाँ से वाहनों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि ये सड़क बंद हो जाती है तो उन्हें 50 किलोमीटर घूमकर ज्वालामुखी जाना पड़ेगा। मशीन के चंगर क्षेत्र में जहां अभी भी कई सड़कों की खस्ता हालत बनी हुई है, प्रतिदिन इस सड़क पर दो पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है और न ही इस सड़क पर कोई मरम्मत कार्य किया जा रहा है। लोगों ने सरकार व विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क की दशा सुधारी जाए, लोगों को राहत मिले और वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त न हो पाए। आप करते क्या सर? हम बिजली बोर्ड में सर। बिजली बोर्ड में डेली जाते हैं इस रोड से? डेली जाते हैं। ये रोड कब से टूटा हुआ? काफी टाइम हो गया सर। कितना कितना की टाइम हो गया? ये तो कुछ साल होता है। तो आज तक बना नहीं रोड, तो बरसात के दिनों में कैसे जाते हैं आप? बहुत कम खराब है सर। ठीक है सर। तो हम विभाग से ये जाते हैं कि ये पुलिस जो है जल्द से जल्द, मतलब एक डेढ़ साल हो गया साइड से रास्ता और बरसात आने वाली है। चंगर क्षेत्र से कितने लोग जुड़ते हैं इस रोड के माध्यम से? लगभग पूरा पालमपुर खुंडिया तक जो है यही रोड जाता है, आगे सुजानपुर मिलता है जाके, और खुंडिया मतलब हमारी तहसील जो है खुंडिया पड़ती है, उप तहसील मजीठ पड़ती है, तो यहाँ से जाने आने का जो है मतलब यहाँ से। ठीक है। हाँ जी सर, ये पुलिया कब से टूटी हुई और क्या इसका विभाग ने आज तक कुछ किया? कम से कम डेढ़ साल हो गया, देख लो आप खुद ही। नहीं तो विभाग कार्रवाई कर रहा है, ना कोई ठेकेदार आ रहा है। नहीं ये शुरू होने वाली है, अगर ये नाला, ये जो इन्होंने मिट्टी वगैरह ये डाला हुआ है, ये बह गया तो मशीन का जो संपर्क मार्ग वो तो टूट जाएगा। तो और चंगर क्षेत्र को और कौन कौन से रोड जोड़ते हैं मार्केट के साथ? इसके अलावा मार्केट से कोई रोड नहीं जोड़ता है। हमें यहाँ से 50 किलोमीटर होके 50-60 किलोमीटर होके दूर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, और ये हमारा मेन रोड है 15 किलोमीटर। पालमपुर जो आपका ये हॉस्पिटल जाना हो तो हॉस्पिटल के लिए कोई और एम्बुलेंस के लिए रोड है क्या बरसात के दिनों में? चलो ठीक है सर, थैंक यू।